हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय राव। सो स्टूडेंट्स, जितने लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीएस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 10 इंग्लिश इडियम एंड फ्रेज, पूरा टॉप 10 ये आपको पर डे मिलेगा। और ये आज का जो वीडियो है ये सेट नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉप 10 इडियम एंड फ्रेज मिल रहा है, जो विगत 20 वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, फर्स्ट इडियम्स है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होगा? होल एंड सोल। होल एंड सोल मतलब सर्व सर्वा, सर्व सर्वा मतलब सब कुछ। तो ऑल इन ऑल अगर इडियम्स आपको कहीं दिखाई देगा किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका मतलब होगा होल एंड सोल, मतलब सर्व सर्वा मतलब सब कुछ। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ ऑल इन ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑल इन ऑल मतलब सब कुछ होता है। तो ऑल इन ऑल का मतलब क्या होगा? होल एंड सोल मतलब सब कुछ, सर्व सर्वा। चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है एट सिक्स एंड सेवन्स। एट सिक्स एंड सेवन्स, ये इसी इडियम्स का जो मीनिंग होगा वो मीनिंग होगा इन डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर मतलब बेहतरी, मतलब इसका मतलब इधर उधर बिखरा हुआ, ये सब वर्ड होगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं। जैसे योर चिल्ड्रन केम इन टू माई हाउस, केम इन टू माई रूम, मेरे रूम में तुम्हारे बच्चे हैं। एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट सिक्स एंड सेवन्स, और सभी जितने भी मेरे बुक्स हैं इधर उधर इन्होंने डिसऑर्डर मतलब इधर उधर फेंक दिया। ठीक है, एट सिक्स एंड सेवन्स। चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर मतलब अग्नि में घी डालने का काम करना, मतलब गुस्से को और बढ़ाना। तो इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? इंग्लिश मीनिंग टू मेक द मैटर वर्स, मतलब मामले को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना, बहुत ही आगे बढ़ा देना, या अग्नि में घी का मतलब उत्तेजना को बढ़ाना। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। द ऑफिसर वाज ऑलरेडी इन वेरी एंग्री। ऑफिसर पहले से ही बहुत एंग्री है। ठीक है, बट द डिसकॉर्टियस आंसर ऑफ रमेश, डिसकॉर्टियस ये बोली रॉन्ग, बट द रॉन्ग आंसर ऑफ रमेश, रमेश का जो रॉन्ग आंसर है, एड फ्यूल टू फायर, अग्नि में घी डालने का काम करता है, मतलब उत्तेजना को और बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, ये इडियम्स, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन मतलब प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, इसका मीनिंग होगा। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। माय फादर इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री ऑफ द लोकेलिटी टू द मैरिज पार्टी। यानी मेरे फादर ने पूरे जितने भी लोकेलिटी, जितने भी मोहल्ले के लोग थे, या जितने भी लोकेलिटी मतलब लोकल लोग थे, उनको मैरिज पार्टी में बुलाया। और क्या? ऑल एंड सन्ड्री मतलब बिना किसी भेदभाव के। तो ये फोर्थ वर्ड हुआ। ठीक है, चलिए फिफ्थ वर्ड देखते हैं। एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टोटली कन्फ्यूज्ड, मतलब परप्लेक्स्ड, मतलब चकरा जाना, मतलब दिमाग घूम जाना, कुछ काम ना करना। एट वंस विट्स एंड का, विट्स एंड का मतलब टोटली कन्फ्यूज्ड। तो इसको वर्ड से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से, इसका एग्जांपल, द थीव्स वेयर एट देयर विट्स एंड व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग। चोर तब चकरा गए जब उन्होंने क्या, किसको देखा? दे सॉ द पुलिस कमिंग, जब वो पुलिस को आते हुए देखा। तो ऑल देयर विट्स एंड का मतलब क्या होगा? एट देयर विट्स एंड का मतलब टोटली कन्फ्यूज, मतलब चकरा जाना। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अबोवर्ड, चलिए सिक्स वर्ड देखते हैं। अबोवर्ड, अबोवर्ड मतलब होता है ईमानदार तथा स्पष्ट, मतलब ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मतलब जो पूरी तरीके से ईमानदार है उसे क्या कहेंगे? अबोवर्ड, यानी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार तथा स्पष्ट है। इसका इंग्लिश वर्ड से देखते हैं। ही इज़ वेरी अबोवर्ड, वह बहुत ही ईमानदार है। इन हिज़ डीलिंग, अपने बातचीत करने के व्यवहार में, किससे? विथ हिज कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ वर्ड देखते हैं। सेवन्थ वर्ड क्या है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, और ए बोन ऑफ कंटेंशन। दोनों जो फ्रेज है यहाँ पे, इडियम्स है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। ए बोन ऑफ कंटेंशन या आप एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों का मीनिंग है कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वेरल।
चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कश्मीर इज़ मतलब है क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़ है या बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों का मीनिंग एक है। झगड़े की जड़ है किसके बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो ये इंपॉर्टेंट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन एप्पल ऑफ वन साइज। एप्पल ऑफ वन साइज का मीनिंग क्या होगा, आँखों का तारा, मतलब वेरी डियर, मतलब जो आपसे बहुत प्यारा है वो हो गया, ठीक है, बहुत प्यारा, वेरी डियर, एन एप्पल ऑफ वन साइज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज। मतलब सुधीर क्या है, सुधीर है अपने पेरेंट्स अपने माता पिता का बहुत ही वेरी डियर, मतलब बहुत ही प्यारा है और बहुत ही आँखों का तारा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नाइन्थ ईडियम्स देखते हैं। नाइन्थ ईडियम्स है अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे इस ईडियम्स का मीनिंग क्या होगा, बुरे दिनों के लिए, मतलब फॉर हार्ड डेज, बुरे दिनों के लिए मतलब बहुत ही बुरा वक्त हो तो उसे कहते हैं अगेंस्ट द रेनी डे फॉर हार्ड डेज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे, यानी एवरी पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति को शुड सेव बचाना चाहिए समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे, यानी बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग बचानी चाहिए। तो एंड अगेंस्ट द डे रेनी डे इडियम्स का मीनिंग क्या होगा, बुरे दिनों के लिए फॉर हार्ड डेज। चलिए लास्ट आज का देखते हैं, अपना टेंथ इडियम्स आज का देखते हैं। टेंथ इडियम्स है एट डेजर्ट ड्रॉन। डेजर्ट ड्रॉन मतलब ओपन एनमिटी, मतलब बिटर एनमीज, मतलब ओपन एनमिटी मतलब घोर शत्रुता। एट डेजर्ट ड्रॉन का मीनिंग क्या होगा, घोर शत्रुता, बिटर एनमीज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा राणा प्रताप एंड अकबर वेयर एट डेजर्ट ड्रॉन विथ ईच अदर। राणा प्रताप और अकबर एक दूसरे के क्या थे, शत्रु थे, विथ ईच अदर उनमें घोर शत्रुता थी। तो एट डेजर्ट ड्रॉन्स की मीनिंग क्या होगी, घोर शत्रुता। तो ये टॉप 10 इडियम्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इडियम्स आपके एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे, और विगत 20 वर्षों से लगभग एग्जाम में आते रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर उन्हें ये आज का सेट नंबर फर्स्ट अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और भी बहुत सारे सेट्स मैं लाता रहूँगा इडियम्स एंड फ्रेज का। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।